इम्पाला की ही होती है ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि ऐसा कई बार हो चुका है जब इन्हें जंगली जानवरों ने बेरहमी से मारा है, जिसमें कई बार इन पर चीता ने हमला किया है, कभी लियोपर्ड ने, कभी हाइना, और इस काम में तो जंगली कुत्तों ने भी इनकी मासूमियत का पूरा फायदा उठाया है। अब जैसे कि यह फुटेज ही देखिए, यहाँ ये जंगली कुत्ते बड़े ही शातिर अंदाज से दबे पांव इन इम्पालास की ओर आगे बढ़े चले जा रहे हैं, और इम्पालास इस बात से बेखबर घास खाने में व्यस्त हैं। लेकिन एक इम्पाला को इनकी भनक लगती है और वो इन सभी को सिग्नल देता है और ये सब यहाँ से फौरन ही भागते हैं। लेकिन यही ये जंगली कुत्ते अपना टीम बनाते हैं और एक साथ उनकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस बार ये दूसरे रास्ते से जाते हैं। वहीं ये इम्पालास यहाँ एक बार फिर घास खाने में व्यस्त हो गए थे। यहाँ पहुँचने पर ये जंगली कुत्ते दबे पांव जब इनके पीछे आकर खड़े होते हैं तो एक बार फिर इस इम्पाला को कुछ आहट महसूस होती है, लेकिन ये कुत्ते झाड़ियों में छिप जाते हैं, जिसकी वजह से ये इम्पाला बेखौफ होकर एक बार फिर घास खाने लगता है, और यही मौका देख जंगली कुत्ते एकाएक हमला करते हैं। अब जरा गौर से इस जिंदगी की जंग को देखिएगा, क्योंकि इस जंग को हम ड्रोन शॉट के जरिए दिखाने वाले हैं। अटैक होते ही सभी भागते हैं, इम्पालास भी और जंगली कुत्ते भी। जरा देखिए कि किस तरह से ये सभी इम्पालास को घेर घेर कर हमला करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ इम्पालास पूरी फुर्ती में है तो जंगली कुत्ते भी आज अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं, क्योंकि अगर इम्पालास के पास हाई स्पीड है तो वाइल्ड डॉग्स भी हाई स्टैमिना से भरे हुए हैं। लेकिन जब ये वाइल्ड डॉग इसे दौड़ाता हुआ यहाँ नदी के पास लेकर आता है तो ये पानी में छलांग लगाकर इनसे कुछ समय के लिए तो बच जाता है, जहाँ इन्हें भी पता होता है कि ये इम्पाला बाहर आएगा ही, और ये सभी यहाँ खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं। उसके आते ही ये सभी उसे फिर से दौड़ा बैठते हैं, और इस बार ये इम्पाला मारा जाता है। और ऐसा ही एक इम्पाला के साथ यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ जब इन वाइल्ड डॉग्स को भूख लगी हुई थी तो इनके सामने दो जेब्रा और एक जिराफ थे। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। लेकिन इन पर हमला करने से आसान इम्पाला को मारना था, इसलिए ये सभी कुत्ते उसके पीछे दौड़ लगाते हैं और उसे इस झाड़ी के पीछे दबोच बैठते हैं। जरा देखिए कि कितनी बेरहमी से इन्होंने उसे उठा पटक कर उसे नोचना शुरू किया, और सभी उसे नोच डाला है, क्योंकि जब यहाँ इम्पाला पानी में खुद को सुरक्षित समझता है तो इसके पीछे यहाँ भी एक वाइल्ड डॉग पानी में चला आता है, और वहीं सामने से भी एक और वाइल्ड डॉग बढ़ता आता है। ये दोनों ही उसके चेहरे पर अपनी पकड़ बना लेते हैं, तभी तीसरा कुत्ता भी आता है और वो भी इसमें शामिल हो जाता है। साथ ही बाहर मौजूद कुछ और वाइल्ड डॉग्स भी इसकी ओर बढ़ते हैं, और ये उसे किनारे पर ला ही चुके थे कि तभी ये इम्पाला एक बार फिर पानी में भागने की कोशिश करने लगता है। पर इस बार वाइल्ड डॉग्स भी ठान लिए थे कि इस बार तो इसको मार कर ही दम लेना है, इसलिए ये उसे फिर खींचते हुए लेकर आते हैं, और यहाँ किनारे पर आते ही सभी उस पर टूट पड़ते हैं, जिसमें कोई उसके चेहरे को नोचता है तो कोई गर्दन पर, तो कोई उसको पेट से नोचता है। हालांकि एक बार फिर इम्पाला इनसे छूटने ही वाला था, लेकिन इस बार इसकी किस्मत साथ नहीं देती और सभी इसे जमीन पर गिराते हुए इसे लेकर जंगल में जाते हैं और वहां इसे चट कर जाते हैं। इस वर्थॉग को नहीं पता था कि इसकी मौत इसके आसपास ही भटक रही थी। ये वर्थॉग जैसे ही यहां पहुंचता है सभी वाइल्ड डॉग इसे घेरना शुरू कर देते हैं, और जब ये वर्थॉग भागता है तो ये सभी भी उसके पीछे दौड़ लगा देते हैं। वहीं एक और वर्थॉग दूर खड़ा इस दृश्य को देख रहा होता है। जिंदगी की इस दौड़ में दोनों दौड़ते दौड़ते इस दलदली इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां अब ये वर्थॉग अकेला इन कुत्तों के बीच असहाय पड़ा जब तक हो सकता था तब तक लड़ता रहा, लेकिन इसके बाद तो इन कुत्तों ने तो इसे बहुत ही दर्दनाक मौत दिया, जिसे पहले तो ये घसीटते हुए नोच कर यहाँ झाड़ियों में लेकर आते हैं, इसके बाद ये सभी उसे जिंदा ही नोच डालते हैं। ये वाइल्ड डॉग्स कई बार तो कुडू और वाटर बग पर भी अपनी दांव आजमा चुके हैं, जैसे कि पहले तो एक क्लिप यह देखिए जहां एक कुडू भागे पड़ा है और वाइल्ड डॉग्स उसके पीछे लगे पड़े हैं। अंत में ये कुडू जमीन पर गिर ही जाता है और सभी वाइल्ड डॉग्स पहले तो इसे पीछे से नोचना शुरू करते हैं, फिर अगले ही पल में एक जंगली कुत्ता इसको आगे से इसके कानों से नोचना शुरू करता है, और ऐसा ही दिल को दहला देने वाला एक नजारा यहां से भी निकल कर सामने आने वाला है, क्योंकि यहां एक कुडू जो कि इस पोखरे में खुद को बचाने के लिए उतरा था उसे इन जंगली कुत्तों ने वहां भी नहीं छोड़ा। उधर दूसरी ओर हाथियों का झुंड भी पानी पीने के लिए यहाँ पहुँच पड़ा, और इसी बीच ये वाइल्ड डॉग्स उस कुडू को पानी से निकालकर उसे खाने के लिए टूट पड़े थे, लेकिन तभी यहाँ हाथी पहुँच जाते हैं जिसमें से एक हाथी इन पर गुर्राता है, जिससे डरकर कुछ वाइल्ड डॉग्स पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये दो कुत्ते मानने को तैयार नहीं थे और ये इस कुडू को खाना शुरू कर देते हैं, और एक कुडू तो यहाँ भी मारा जा रहा है, लेकिन ये वाइल्ड डॉग्स इतने सारे हैं कि इनके बीच वो नजर ही नहीं आ रहा है, और ये सभी उसे नोचते जा रहे हैं। और ऐसा तो ये इस कुडू के साथ भी किए जब ये दौड़ता दौड़ता यहाँ इस दरिया के किनारे चला आया।
देख रहे हैं ना आप कि ये किस बेरहमी से इसे नोचे जा रहे हैं। अब बारी है विल्डबीस्ट की। अफ्रीका के इस जंगल में सूखी घासों के बीच से वाइल्ड डॉग्स का झुंड बड़े खामोशी से आगे बढ़ता हुआ अचानक ही स्पीड में आ जाता है, क्योंकि इन्हें एक विल्डबीस्ट का शिकार करना था। लेकिन वो विल्डबीस्ट तो बच निकलता है और एक बार के लिए तो इन्हें मायूस होना पड़ जाता है। पर ये सभी फिर प्लान बनाते हैं और दौड़ पड़ते हैं विल्डबीस्ट के झुंड के पीछे। इनके शरीर के अकड़े हुए एक एक मसल से इनके हाई स्टैमिना की गवाही दे रहे थे। इस बीच दौड़ते दौड़ते ये दो विल्डबीस्ट को घेरने में कामयाब हो जाते हैं और उधर भी अभी भी कुछ वाइल्ड डॉग्स एक विल्डबीस्ट को दौड़ाने में लगे हुए थे और अंत में वो भी इस पर अपनी जीत हासिल कर ही लेते हैं। और तो और ये तो एक बार एक विल्डबीस्ट को इतनी बेरहमी से भी मार चुके हैं। जहाँ कुछ वाइल्ड डॉग्स इसको इसके मुंह से नोच रहे थे तो कुछ इसे इसके पीछे से नोचे जा रहे थे। यहाँ भी नजारा ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ भी दर्जनों वाइल्ड डॉग्स जंगल में आए इन वाइल्ड बीस्ट का शिकार करने में जुटा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात बाकी क्लिप्स से थोड़ी अलग है और वो है इन विल्ड बीस्ट द्वारा इन वाइल्ड डॉग्स पर इनके अटैक का जवाब देना, क्योंकि अगर ये सभी कुत्ते उन्हें घेर घेर कर हमला करना चाह रहे हैं तो विल्ड बीस्ट भी इन्हें दौड़ा दौड़ा कर हमला किए पड़े हैं। गौर करने पर पता चलता है कि ये सभी विल्डबीस्ट इतने एग्रेसिव सिर्फ इसलिए थे क्योंकि ये इनके बीच मौजूद एक बेबी विल्डबीस्ट को एक खरोच नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए कोई विल्डबीस्ट आगे आकर इन पर हमला कर रहा था तो कुछ उस बच्चे के आगे आकर उसे बचाए जा रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद जब बाकी विल्डबीस्ट उसे लेकर यहाँ से निकलते हैं तो ये सभी कुत्ते इन दो विल्डबीस्ट पर अटैक करते हैं और एक मिनट के अंदर ही एक विल्डबीस्ट मारा जाता है। अब वाइल्ड डॉग्स के खूंखार हमलों का अंदाजा लगाने के लिए एक क्लिप यह भी देख लीजिए, जिसमें ये एक विल्डबीस्ट को जिंदा ही जमीन पर गिराकर उसे नोच डाल